श्रीगंगानगर में आईएमए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रही है। इसी को लेकर आज श्रीगंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आईएमए के समर्थन में आ गए हैं। वहीं इसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर व्यवस्था की क्या की गई है, हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने इसका जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईएमए के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर श्रीगंगानगर से लेकर जयपुर तक धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए गए, मगर सरकार जो है वो बैकफुट आने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमए के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो भी उतर चुके हैं। और इसी को लेकर श्रीगंगानगर का जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर क्या व्यवस्था रखी गई है पीएमओ के द्वारा, मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि आज का जो नजारा देखा गया है उसको देखते हुए लगता है कि आमजन जो है, जो मरीज है, यहाँ पर कम संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा हो चुका था कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सरकारी डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। मगर फिर भी जो है वो पीएमओ के द्वारा यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है कि मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी सर, आरटीएच विरोध के मद्देनजर जो आज अरिस्टा चिकित्सकों ने जो मास्क सील के लिए अप्लाई किया था और आज जो काम पर नहीं है, इस संबंध में हमने जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो यहाँ डीएनबी कर रहे हैं और हमारे जो चिकित्सक शिक्षक हैं, इनकी ड्यूटीज लगाई थी, जो अगले 24 घंटे में अपनी ड्यूटी निर्विरोध करते रहेंगे। अभी मैं खुद व्यवस्थाएं देख के आया हूँ, ओपीडी आईपीडी सब मैनेज करके आया हूँ, सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, काम कर रहे हैं। 61 डॉक्टर्स हमारे जो हैं जो आज मास्क सीएल ले रहे हैं। तो अभी जैसे इमरजेंसी व्यवस्था जो है उसको किस तरीके से, इमरजेंसी में डॉक्टर्स बैठे हैं, स्पेशलिस्ट की भी हमने ड्यूटी लगा दी है। मैं खुद मेडिसिन ओपीडी देख के आ रहा हूँ, मैं खुद मेडिसिन स्पेशलिस्ट देख रहा हूँ साथ साथ। तो अपने जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर गए हैं, कल उनका क्या रहेगा, कल भी वो हड़ताल पर रहेंगे या फिर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? कल वो हड़ताल पर रहेंगे या नहीं, इनकी सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कल सुबह वो ड्यूटी पे आ जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पीएमओ के द्वारा यहाँ पर मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है सरकारी, वो आईएमए के समर्थन में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार जो है वो आमजन को राहत पहुंचाने के लिए क्या कठोर और क्या कड़े कदम उठाती है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। और आज जो